मंदिर में नवरात्रि के समय जैसे व्यास जी ने कहा उचित रहेगा। सो उसे अब तक तेरह सन पर्वत हे फिर बती के स्वरों कहा है। वैसे कि कभी कभी ये नवरात्रि जो है नौ दिन, तो नौ दिन के बाद भी एक दिन है उसको कहा गया विजयादशमी। तो ज़्यादातर भारत में भी लोग नौ दिन मनाते हैं, उसके बाद फिर एक दिन विजयादशमी भी मनाते हैं। तीन दाख टोताल मीसल दुदेन है मीख दाख नवरात्रि ईद दाख विजयादशमी, क्योंकि उसी दिन पर श्री रामचंद्र जी भी उसी दिन पर लंकेश रावण को परास्त किया था। अब दीदाखत रावण राम भोग रावण फिरसलाखन ना नदी दुर्गा पूजा खदान ऐसे हाना दी फिरसलाखन। तो कभी कभी ये सोचने के मिलते हैं कि क्या इस नवरात्रि ये दस दिन में कुछ गुप्त ज्ञान है, क्या गुप्त रहस्य भी हो सकता है। सोवर फर स्कूल अख्तर दीस नीख दाख एन दिन दाख से उसका उपदेश हमारे लिए जीवन में उतारने के लिए क्या हो सकता है। व्हाट सो द बोथ हैव टू द सेम दिव्य दिन नवरात्रि के नहाले तीन दाखन दैट वे सो के नमीनी में, क्योंकि महा दुर्गा महालक्ष्मी महा सरस्वती जी का पूजन हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। वे मीत दैट पूजा पूजा गुण फॉर शक्ति मां एक इंग्लिश फॉर द इंफ्लुएंस कैन से मार सो ऑन फॉर स्कूल बोथ हैव टू हियर आफ्टर टू द सेम ऐसा ईसो तेरी से भूस खाप, इसको कहते हैं गुप्त रहस्य। ईसो तेरी से भूस खाप अख्तर नवरात्रि एंड विजयादशमी। और यह है कि ये हमारी आत्मा जो है और जीवन ये दस दिन जो है हमको लघु रूप में, लघु रूप से इन क्लीन फॉर्म मिनियाट्यूर इन तीन दाख वेस्ट है वेस्ट वेस्ट तीन दाख इन क्लीन फॉर्म अनाउंस कैसे जो आध्यात्मिक विकास तो ऑन्ट्विकलिंग फॉर द सील इवोल्यूशन फॉर द सील लीफ एंड स्लंग हु द इवोल्यूशन प्लांट्स फिन दैट इज द लेस द फॉर स्कूल लेस फन नवरात्रि एंड विजयादशमी। और कैसे वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्म विकास किस ओर के लिए किस ओर जाते हैं। एंग्लिक व्हाट इज द बुदुलिंग फॉर द इवोल्यूशन फॉर द सील इन उपनिषद वर्ड सेक्ट सर्वम खलविंदम ब्रह्म तत्वमसि, ये सर्व जो है वास्तव में ब्रह्म है और ब्रह्म तू ही है। ब्रह्म क्या है आप तो इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म जो बोला जाता है वो ब्रह्मा नहीं है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्म है। वेद में भगवान का शब्द कम ब्रह्म शब्द ज्यादा होता है खत और मेर स्क्रीफ में तो ब्रह्म निर्व वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति, जो अपने वाणी से आप नहीं बोल सकते हैं। व्हाट यू मीन व्हाट यू द खुद यू नीड इन वर्ड एंड कैन हम स्क्राइब हैं ऐसे ही वर्ड को तो हम खुद हम स्क्राइब हैं दी वर्ड इन द वेद मतलब वर्ड ब्रह्म हम हिम ब्रह्मा मा ब्रह्म परम ब्रह्म द क्रूर सुख परम आत्मा वर्ड ब्रह्म हम दिस इन दिस श्लोक फ्रॉम द उपनिषद वर्ड सर सर्वं खल्विन्दं ब्रह्म, ये सारा वास्तव में ब्रह्म है। अलस इन द इन द इन द वेयर ऑफ फन मटेरियल एंड इमटेरियल जिसमें जड़ है जिसमें चेतन है वारे बोयस चेंज वारे नर ओकी इन बोयस चेंज है दैट इज सीन वेन ऑफ बोयस चेंज अलस इज परमात्मा और वह ब्रह्म तू ही है दैट दैट यू सेल दैट इज इन द दुल मन न्यू हैव यू सीन हु नीह दाखला है ऑन द शक्तिमा ऑन वेस व्हाट दैट ऑन सेल्फ अवेयरन, क्योंकि पहले अवस्था जो आत्मा जीव आत्मा पहले अवस्था किस में है तामसिक अवस्था, जैसे व्यास जी ने भी कहा है यस इन तामसिक अवस्था वो भी कहते हैं मल अवस्था ऐसे तुष्टान फन मल काम क्रोध एंड लोभ लाखर फॉर्म ऑफ अफरलनंस वुद एंड लोभी इज हैव शिफ्ट ऑफ दैट से शुल्क हार्डनेस्ट ऑफ अदर तीख वर्क एंड द क्राफ्ट फॉर द ऑन्टवेकलिंग फॉर द सील फॉर द आत्मा dat je een kracht nodig hebt in de natuur die het kan vernietigen. En je kent maar één kracht in de natuur die het kan vernietigen. Is dat Maa Durga. Die heeft de kracht en die vernietigende kracht in zich. Mahakali, Maa Durga. Om die, dat soort zware kwaliteiten te vernietigen. In die tamsikta, want die ziel is eerst in tamsik avastha. In tamsik sthiti. Jab maine kaha Maa Durga, to aapko mat sochiye ki Shivji kahan gaya.
शिव जी जो भी यहाँ प्रयास करते हैं भी हर लेते हैं। शिव जी और माँ दुर्गा एक ही है। विवाद इसमें है कि एक है शक्ति, दूसरे है शक्तिमान। एक है शक्ति जो दूसरे जो शक्ति धारण करते हैं। अख्तर अल्क मन स्वयं फ्रो एर इज द फ्रो इज द क्राफ्ट एंड द मन इज द बिहेवियर ऑफ द क्राफ्ट। माँ दुर्गा शक्ति है तो शिव शक्तिमान है। He is the head, the head, the craft, and draft, and he moet die verantwoordelijkheid dragen. U moet het zo zien. Als u een steen heeft die hoog op een berg is, hebben jullie geleerd in de natuurkunde, heeft dat een potentiële kracht. Als het begint te rollen, gaat het over een kinetische energie. Hij heeft potentiële energie. Als hij begint te rollen, wordt die kinetische energie toch? Dat is wat je leert. Beweging is kinetisch en stilstand is potentiële energie. Shivji is zitten. Hij is helemaal in tapasya en yoga. Hij is potentiële energie. Die bewegende energie is die vrolijke energie. Die in alles en allemaal aanwezig is. Het is hetzelfde. Ene beweegt, ene stilstaat, maar het is hetzelfde. Ene is zo noemen die andere shakti. En die andere toestand is shaktimana. To tamasik avastha mein jab jiv hai, to uske baad jab maha durga ya maha kali, teen roop hai, verschillende रूप में द्री दाखल लंग द्वितीय फो माँ दुर्गा। तो उसके बाद जब ह्रास होता है काम क्रोध लो तो जीव आत्मा दूसरे अवस्था में आ जाते हैं, राक्षिक अवस्था। उसको भी वैसे कहते हैं विक्षेप अवस्था, विक्षेप स्थिति। विक्षेप का मतलब है अनदृष्ट। यू हैव फील आगर फॉर लंग स्मेयर यू बैन ताल युक्त तामसिकता यू हैव एनी मेयर हैप्सियस स्टफ यू बैन एनी मेयर विद बुद्ध मार ऐसे न फॉर लंग। राजसिक अवस्था वो भी समृद्धि की अवस्था है। फोर्स पुत यू कॉम्पेन फोर्स पुत टू स्टैंड यू विल सो फील मनी रफा फॉलो योर फादर नी फॉर दी हैप्सी ऑफ द एंड यू वुड फॉर दी एंड द एंड द फॉर लंगन्स यू विल वेल फॉलो योर सेम एंड यू ब्रिंग डाउन सो फील थिंग हां मां बट हमारा बच्चा ये करे तो पढ़ाई हो तब मोई से रही आई इन आई कैन हैप इट्स अंडर सच अ फॉलो योर खत्म नाउ देन कोर्ट योर मन मोर विचलित। Maar er is maar één shakti in de creatie die met force goed kan omgaan. Met geluk kan omgaan. Die je wil hebben. Dat is Mahalakshmi. En Mahalakshmi is de aajate uska shakti. En natuurlijk die shakti man van Mahalakshmi is Vishnuji. Shri Vishnuji. De Mahalakshmi is de aajate. Dan gaat zij u leren hoe u een force goed moet leven. En upasana kaise karna chahiye. Ze geeft u de zegen van upasana, bhakti. Zodat u helemaal stil kunt worden, rustig kunt worden. Want uw man zegt alleen maar, hier is het geluk, daar is het geluk, hoe ga ik geluk zoeken? Uske baad jab raajasik avastha aapko paar kar diya. Als u dat hebt overstegen, komt u in sattvik avastha. Par sattvik avastha bhi avaran avastha ko kaha gaya. En avaran avastha wil zeggen dat u wel weet, u bent er. U hebt krankrood lopen overstegen. U hebt jezelf rustig kunnen maken, maar u hebt nog niet herkend. Ki sarvam khalvindam brahma. U bent er, maar God is in iedereen. U hebt nog niet uzelf in iedereen herkend. Die kennis opdien, die kennis die u nog niet bezit, avidya, kan één persoon maar weghalen. Mahasaraswati. Die gaat u die kennis geven. Vandaar dat u ziet dat altijd in de Navratri, महाकाली और महादुर्गा तब महालक्ष्मी और अंत में महासरस्वती ये नौ दिन वेस्ट हु दी आत्मा का अंतविकलन दारम स्थिति हो गए अंदर सूस शास्त्र आज देवी महात्म्य और भगवत गीता आते जिस कम कर्म योग वन दी हरास आज महादुर्गा यश कैन सीखन की सक्सर कर्म योग करो सेवा करो दखाए ऊपर दी से दिन स्टेक आज काम करो लोग In die tweede zeggen ze bhakti karo, upasana karo, gyan karo, dan ga je over raasik karken. En die derde is Maasara Suti gaat zeggen, gyan leo, dus die eerste is karma yog, daarna komt bhakti yog, daarna komt gyan yog. Zo is de Bhagavad Gita ook verdeeld. Daarom zie je de meeste shastras van hindus dat deze drie naar elkaar komen. En op de tiende dag, symbolisch, de tiende dag is dat u overwint. U bent eigenlijk zoveel kennis gekregen dat u werkelijk zegt, aham, tot om asi. U bent die Brahma en u herkent en al die mensen die God heeft. En die dag is die dag van de overwinning van Shri Ram, zou ik zeggen. Shri Ramji had op die dag overwonnen. Ik wil niet te lang praten, maar het is wel een interessant verhaal van Shri Ramji. Als ik mag. Ja.
श्री राम जी की कहानी ऐसे है। श्री राम जी देव जी का देवी जी का पूजा किया तो रावण जी को परास्त किया, पर श्री राम जी को प्रतीक एक प्रतीक है, ऐसा सिंबल श्री राम जी सिंबल एंड किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, वो संघ शक्ति युगे युगे ही श्री राम जी के साथ है सर। कभी कभी संत महात्मा कहते हैं कि सचयुग में मंत्र या जप या तप तंत्र से मनीरों मोक्ष करेंगे भक्ति, पर श्री राम जी क्या कहते हैं, संघ शक्ति युगे युगे अल्प युग अल्प वैल्यू तपस्या का दून मंत्र का दून भक्ति का दून मन एक रखा अल्ते वार में शिक्षा सौखा से है ना, तो संघ शक्ति संगठन शक्ति असिफर इन इज गुड रखा अल्ते दूर तो अंदर देंगे हुफे वाल तो लेको क्यों नहीं वाल लेको सोम सफ़ी शिक्षा सोम सफ़ी शिक्षा मवाचे एक सामल का करख का दून खैर आते तो उफर बने दार निश्चित जो आते तो उफर बने अहू इतनी दर्द करना है ये सब फोर बिल दार करना अहू। आप जानते हैं कि उसी समय जब रावण लंकेश था उसी समय एक दो व्यक्ति अलग अनेकों व्यक्ति था, अनेकों नहीं पर एकाद दो बोला था इन संसार में एकाद दो रहा जो शक्तिहीन था जब रावण वहां था तो उसके सामने ये व्यक्तियों के सामने वो शक्तिहीन था है बस मख्तलूस तेन अफ्तफन पारनेंस एवार पार में से निकले हीर क्राफ्ट अखबार वार्तिक रावण नीच कौन दूर पहला था दशरथ। दशरथ का तेज शक्ति उसका गति संस्नेलेट वाज सो क्रूर दैट आई से ऑफ सम गुड स्टंट ही इन तीन रिक्तिंग तक ले कॉन्फ्लिक्ट यू रीड इन द शास्त्र इन ऑनसेस ऑफ देता इसे इधर तीन वेंद रिक्तिंग का नॉर्थ पोस्ट साइड वेस्ट तीसरा रिक्तिंग का वो फिर हम नहीं सामने तीन en de shirt was zo snel dat als hij met zijn voet stopt, hij dezelfde deeltas ging ondersteunen. Zo samarten deed het, deeltaan ook. Dat het leek alsof hij in 10 richtingen zo snel ging vechten, daarom hebben ze hem de raam gegeven, Dashrat. 10 koetsen, in 10 verschillende richtingen. Zo sterk was Dashrat. Dusra tha Janak. Janak ke paas Parshuram ji ka diya hua Shiv dhanush tha. Aur jiske paas Shiv dhanush hai, तो रावण ही किया दूसरी मैंने तो कोई कुछ ना कर पाए। तीसरा था वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि उसके पास ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है पूरे सृष्टि का ज्ञान, क्या चाहे शास्त्र हो चाहे कुछ भी हो रावण उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तीसरा चौथा था विश्वामित्र। विश्वामित्र के पास ब्रह्म ज्ञान भी था क्योंकि वो गायत्री मंत्र भी लाया, पर उसके पास भी शास्त्र ज्ञान था, वो शस्त्र और शास्त्र में निपुण था, बस फेस लग के अंदर है तो परफेक्ट सी बरे इन वापस विश्वामित्र। पांचवा ये गोली बाज कर रहे हैं। पांचवा था बाली। तो बाली में इतना शक्ति था जो वानर राज बाली था कि दूसरे समय शत्रु उसके सामने जो आ जाता था आधा शक्ति उसमें आ जाता था और उसके पास भी शक्ति था तो आधा उसका और उनका भी अपनी आप की शक्ति तो उस तो दूसरे को परास्त कर दिया, हमेशा परास्त कर सकते थे। और उसके पास भी हनुमान जी था पर वो तो अभिहीन था, अभी पूरे ज्ञान उसके पूरे शक्तियां भी याद नहीं था। वो रावण तो बाली से डरते थे और उसको मित्रता किया, बोले ना ये मने वासे हम कुछ ना बिगड़े, हम तो कुछ ना बिगाड़ पाते ऐसे तो दूसरे रिश्ते से छोड़ लेंगे। तो और चौथा तो पांचवा ना छोड़ता ना विभीषण जी। विभीषण के पास भक्ति का वरदान था तो वो पूरा ज्ञान जो राक्षस कुल का था उसके पास ही था, तंत्र ज्ञान ये सब। तो देखिए श्री राम जी का प्रतीक और श्री राम जी का लीला, उसका जन्म हुआ दशरथ के पास, शिक्षा लिया वशिष्ठ के पास, शास्त्र ज्ञान लिया विश्वामित्र के पास, विवाह किया जनक के पास, मित्रता की किष्किंधा बाली और हनुमान जी के पास, और मित्रता जबकि और विभीषण के साथ सब शक्तियां जो था जिसके रावण शक्तिहीन माना गया था लेकिन रावण ही स्वकवश उसको समन्वय करके एक साथ लेकर मां शक्ति के पूजा के बाद गया और रावण को परास्त किया। तो ये इसलिए कहते हैं कि श्री राम जी वो प्रतीक है संघ शक्ति योगे योगे, जब हम साथे साथ मिलकर कुछ करक हो
संगठन शक्ति जब है तो तुमको चाहे कौन युग में हो हमेशा सफल प्राप्त आप कर सकते हो। वैसे भी देवताओं ने पूर्व काल में भी किया था, देवता सभ्यता कौन से नष्ट कर रही थी, सभी से शास्त्र में एक मंत्र है, संगठत्वम संवदत्वम सम्मो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगठत्वम का मतलब साथे साथर मिलकर चलो, संवदत्वम साथर साथे मिलकर बोलो, सम्मो मनांसी जानता आप साथे मिलकर सोचो, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते जैसे देवताओं पूर्व काल में किया था और अपने भाग्य अपने हाथ में लिया था। देवता सब फ्रूखर भविष्य का तो अनु एक कहानी है, दूसरी कहानी हो गई तब एक लास्ट एक अंतिम जी धन्यवाद। जब आप जानते हो जब सागर मंथन था तो उसके उससे निकला अमृत, अमृत का मतलब अमृत जिसका मृत्यु नहीं होता, जब आप अमृत पिएंगे तो आपको मृत्यु नहीं हो। कभी कभी ये सोचिए दारू भी अमृत ऐसे नहीं है क्योंकि इसके बाद आपको अमृतता नहीं मिलेगा, पर अमृत ये पूर्ण वास्तव में अमृत था। तो उस तरह का नेक्टर जब असुर के हाथ में आया और देवताओं के हाथ में उससे उसके बीच में लग पड़ा सब खाने तो फेस्ट ऑन द लेक वी खाते ड्रिंक एंड उस तरह का वर्ड तो क्या हुआ, श्री विष्णु जी एक स्त्री के रूप में आए, वेयर का की फ्रॉक बखले तो फ्रॉक बखले डाल दे बोला सब बैठो एक रे में एक तति में वो सब बैठ गया सबके पास कलश इतनी कई कई कौमच आलमाल कई कम है और कई लोग बोले कौन प्रॉब्लम सब मिल जाए सब पांच तरफ को जाए प्रॉब्लम और प्रॉब्लम क्या है और तेने क्या हुआ अंत में क्या हुआ कि सबके हाथ एकदम सीधा हो गए, अचानक सब हाथों एकदम सीधा हो गए सो कौन दो हम निर्भय है। आप जानते हो असुर बहुत लोभी है ना हेप्सफ्टफ एंड ऑनखदोलफ and heal on for the types of when this is a thing is ala amrit khafala and asurs have all the amrit for lora but the deltas the deltas have a nagedach saam saab a gesproke saam and saab a besloote saam it's the dun wo ek mandal mein bai gaya jase inne circle khase tha and the same stage if the ene gepak if the andere laat hi if the andere gepak if the andere laat hi dan steek ik de gegieten uiteindelijk in de laatste gegeven en zei de deeltas onsterfelijk geworden. Sangachatrum, samvadatrum, sammomanansi janatam. Sather sather milkar chalo, maka matlab karo. Sather milkar bolo, sather milkar socho. Deva bhagam yathapurvesan janatam. Kaise deeltao apne bhagya mein apne haath mein liya. Sei Gopala Dutta comes on the same samavaya. To isi ke saath mai समाप्त करना चाहता हूं। तो ऐसे ही गांव में आपका भी संगठन रखना चाहिए, चाहे बीच में कभी कभी कुछ ना हो जाए थोड़ा सा झगड़ा लगने से हो जाए, मां संगठन का शक्ति जो है जो श्री राम जी का दिए हुए उपदेश है, उपदेश के वाली आदेश है, उपदेश बहुत सारे विपरीत आदेश ऑर्डर श्री राम जी से सौ सौ की मुतनी करना, इसको हमने अपने जीवन में उतारना है अपनाना है तब पूरे शांति मिलेगा। और अंत में जो हमेशा वो मंत्र कहते हैं ओम शांति शांति शांति, आपको आपको पता है क्यों कहते हैं, उसका है जगत में शांति, पूरे सृष्टि में शांति, राष्ट्र में शांति, देश में शांति, व्यक्ति में शांति, अपने आप में शांति, इसलिए कहते हैं ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं कुछ भेंट भी आपके लिए थोड़ा सा लाया हूँ, कुछ क्लेम पैकेज फॉर यू मतलब ब्रेक तो सोम्स कंटेंट में मैं पे रहा हूं दैट रैंक इट फॉर यू मी हम तो ब्रेक द कंटेंट फॉर यू सेल्फ फॉर यू। धन्यवाद।